In the Indian heartland lies a city which has sparked a great change and rebuilt the rules of urban sustainability. Smart city Jabalpur has mastered the science of turning its waste into energy and is now revolutionizing its future. ये एक विन-विन सिचुएशन है, एक ग्रीन सॉल्यूशन है। But before Jabalpur pioneered this technique, its lands were choking with waste. पहले तो ये था कि कचरा इधर उधर पड़ा रहता था तो गंदगी ज्यादा होती थी, उस वजह से प्रॉब्लम आती थी। And then in 2016, tables turned when the city embraced a game-changing waste to energy project under the Smart City Mission. Special garbage trucks were procured to collect garbage from the citizens going door to door. कचरे की गाड़ी सुबह आती है, सुबह के समय 8:30 बजे आती है। वो जब आती है तो सब लोग कॉलोनी के सब कचरा इकट्ठा करके ले जाती है। हम लोग कचरा अलग अलग निकाल के रखते हैं। घरों घर से जब कचरा कलेक्ट होता है, घरों घर से जब ये अवेयरनेस दी जाती है कि भाई आपको कचरा सेग्रीगेट करना है, जो किचन से हमारा निकलता है वो अलग रखना है, जो सूखा कचरा है वो अलग रखना है, तो पूरे शहर में स्वच्छता के प्रति एक जागरूकता आती है। These garbage trucks are regulated by Jabalpur's Integrated Command and Control Center. The center uses GPS to track their movements and efficacy. जब गाड़ी नहीं आती तो हम लोग कॉल सेंटर पर फोन करते हैं तो वो लोग तुरंत कार्रवाई करते हैं या किसी को भेज देते हैं। A meticulous strategy integrates waste collection and energy conversion under a state-of-the-art framework powered by Hitachi's expertise. The waste-to-energy plant is one of the very unique concept that has been incorporated in Madhya Pradesh. It is the only plant which converts directly the garbage into electricity. Boiler में जो हम कचरे को जलाते हैं, उससे जो हमको energy प्राप्त होती है, उसके द्वारा हम पानी को गर्म करते हैं, steam बनाते हैं, टर्बाइन हमारा घूमता है और एनर्जी हम उत्पादन करते हैं। इसमें दो काम एक साथ हो रहे हैं, एक तो कचड़े का ढेर नहीं लगता और दूसरा ये है कि इसमें बिजली का उत्पादन हो रहा है जिससे बिजली बेची भी जाती है। निगम को जो आय हो रही है, जो पैसे की बचत हो रही है, उसका उपयोग जन उपयोगी कार्यों में जैसे कि रोड बनाना, सीवर लाइन बिछाना आदि में किया जा रहा है। Jabalpur is now witnessing cleaner surroundings, reduced carbon footprint and a model for other cities to emulate. प्रभाव ये पड़ा है कि जो हमारी लैंडफिल साइट्स थी वो बंद हो गई हैं। कोई भी ग्राउंड वाटर का कंटेमिनेशन नहीं है, कोई भी बदबू, कोई भी ऐसे एयर फाउलिंग वाली कोई बात नहीं है। निश्चित रूप से शहर के पर्यावरण को लाभ हुआ है। हम चाहते हैं कि जबलपुर स्वच्छता के इसमें पहला नंबर पे आ जाए। जैसे इंदौर हर साल फर्स्ट आता है, वैसे हमारा जबलपुर फर्स्ट आए। हम जितना ज़्यादा साफ रखेंगे अपने आसपास के और जागरूक होंगे, उतना ज़्यादा ही हमारा शहर स्वच्छ और नंबर वन पे आएगा।